डेट फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग का मीनिंग हमने कर लिया था, अब मीनिंग में क्या था। फाइनेंशियल प्लानिंग किस लिए करते हैं, कैपिटल बनने का था। तीन बातें होती है, सबसे पहले आपको ये पता लगाना है कि टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट आपकी कितनी, कितना पैसा चाहिए आपको। उसके बाद सोर्स ऑफ फाइनेंस बता देता है और सुटेबल पॉलिसी डिजाइन करनी होती है जिससे कि हम वो फंड्स को प्रॉपरली एंड एफिशिएंटली हम उसको लगा सके। ठीक हो गया। अब फाइनेंशियल प्लानिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या हुआ, मकसद, मतलब जो फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं उसका मकसद क्या है। मकसद हमें पहले से पता है, वही जो तीन बातें थी। ठीक, फिर भी फाइनेंशियल प्लानिंग का मकसद क्या है। सबसे पहला टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेनेवर दीज आर रिक्वायर्ड। क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फाइनेंशियल अगर प्लानिंग करते हैं तो हम एश्योरिटी ले लेते हैं कि जब हमें फंड चाहिए होगा तो तब वो हमारे पास अवेलेबल होगा। जैसे हर घर में प्लानिंग होती है कि हाँ चलिए कि किसी रिश्तेदार की शादी आने वाली है तो तब आपको 20-25 हज़ार चाहिए होगा, तो उसके लिए हम पहले से 4-5 महीने पहले से प्लानिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, सेविंग करना स्टार्ट कर देते हैं। या हमने सोचा है कि हम नेक्स्ट ईयर कार लेंगे, तो कार लेने के लिए जो आपको अमाउंट चाहिए वो हम 2-3 साल 1 साल पहले से हम अरेंज करना स्टार्ट कर लेते हैं ताकि अगले साल जब हमको पैसा चाहिए तब हमारे पास वो अवेलेबल हो। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल लेते हैं, स्वीट शॉप है, दिवाली के सीजन पे अचानक से स्वीट का सेल आउट होता है, तो उस वक्त अब उन्हें फंड कब चाहिए ज्यादा, दिवाली के टाइम पे, तो उसकी प्लानिंग दिवाली वाले दिन या उस टाइम थोड़ा करेंगे। प्लानिंग पहले हो जाती है 6 महीने पहले, साल पहले, कि जब दिवाली के टाइम पे सपोज हमारे को वैसे जगली हर मत 5 लाख चाहिए, दिवाली के टाइम पे 15 लाख चाहिए, तो 10 लाख एक्स्ट्रा चाहिए, तो एक्स्ट्रा की प्लानिंग वो पहले से ही 6 महीने कर लेते हैं कि उसको तो पैसा कहाँ से अरेंज होगा। ठीक, तो अगर आप प्लानिंग करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, तो ये श्योरिटी हो जाती है कि जब आपको फंड की जरूरत होगी तब आपके पास अवेलेबल होगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी एडवांस में डिसाइड कर रखा है कि उस वक्त जो मुझे मनी की रिक्वायरमेंट होगी वो कहाँ से आएगा। देखते हैं इसमें क्या है। फाइनेंशियल प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है कि अवेलेबल कराना कि क्या सफिशियंट फंड। फाइनेंशियल प्लानिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है, अवेलेबल कराना सफिशियंट फंड ऑन टाइम, जब आपको चाहिए तब आपके पास वो फंड अवेलेबल होना चाहिए, फॉर द डिफरेंट पर्पसेस। फॉर द डिफरेंट पर्पसेस, जब आपको फंड चाहिए होगा वो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। हमने फाइनेंशियल प्लानिंग की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, थिंकिंग इन एडवांस, पहले से ही सोच रखा है हाउ मच टू स्पेंड और व्हाट टू स्पेंड। हमने ये पहले से सोच लिया था कि 6 महीने के बाद मुझे इतने पैसे की रिक्वायरमेंट होगी और उसको मुझे पैसा चाहिए। तो अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो उससे फायदा होगा कि जब आपको फंड चाहिए होगा टाइम पर उस वक्त आपका अवेलेबल हो जाएगा, बिकॉज आपने प्लानिंग करके सोच रखा है कि वो फंड कहाँ से आना है आपके पास। ठीक, फॉर द डिफरेंट पर्पस, डिफरेंट पर्पस कौन कौन से होंगे, या तो लॉन्ग टर्म एसेट्स परचेस करने के लिए, जैसे कल बात करी थी एसेट्स और वर्किंग कैपिटल के लिए, तो ऐसी परचेस ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स के लिए या डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए, जो पैसा चाहिए वो आपको उस टाइम पे अवेलेबल हो जाएगा अगर आपने प्लानिंग कर रखी होगी तो। इनकेस प्लानिंग करनी रखी, अब एमरजेंसी कुछ आ गया पैसे ही नहीं आपके पास, तो इसीलिए पहले से प्लानिंग करने से फायदा ये होता है कि जब आपको टाइम पे पैसा चाहिए होगा तब वो अवेलेबल हो जाता है, बिकॉज आपने सोच रखा था कि उसको तो पैसा कहाँ से आना है। इसके अलावा फाइनेंशियल प्लानिंग की और हेल्प भी कर देती है, जो मैंने कल पढ़ा भी था, ऑल्सो स्पेसिफाइड सोर्स ऑफ फाइनेंस, ये पैसा आना कहाँ से, इंटरनल सोर्स से आना है, एक्सटर्नल सोर्स से आना है, वो भी फाइनेंशियल प्लानिंग बता देती है। जो हमने ग्रेसन मर्ग का सेकंड पॉइंट पढ़ा था उसमें यही था डिटरमिनेशन ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंस, तो हम पहले से डिसाइड करके रहते हैं कि मेरे को अगर 6 महीने बाद पैसा चाहिए तो 6 महीने बाद इंटरनल सोर्स से आएगा या एक्सटर्नल सोर्स से आएगा। क्लियर होगी की बात, तो दोनों काम कर रहा है, आपको फंड भी टाइमली अवेलेबल करा रहा है और ये भी बता रहा है कि इंटरनल से आएगा या एक्सटर्नल से आएगा। तो पहला काम आपका, पहला मकसद जो फाइनेंशियल प्लानिंग का था, पहला मकसद था कि अवेलेबल करवाना सफिशियंट फंड ऑन टाइम जब आपको चाहिए, अगर प्लानिंग करोगे तो हो जाएंगे, नहीं करोगे तो नहीं होंगे। दूसरा ऑब्जेक्टिव इज सी दैट फंड डज नॉट वेस्ट रिसोर्सेज अननेसेसरली। अब ये क्या है, सपोज अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको, मेरे को पता है कि मेरे लास्ट ईयर जो दिवाली में, सपोज मेरी स्वीट की शॉप है, तो अब मुझे पता है लास्ट ईयर दिवाली में मेरी 10 लाख की सेल हुई थी, उससे 1 साल पहले दिवाली में 8 लाख हुई थी, उससे 1 साल पहले 6 लाख हुई थी, तो नेक्स्ट ईयर मैं
एक्सपेक्ट करके चलूंगा कि 12 लाख या 12 लाख से ज्यादा की सेल होगी, सोच के चलूंगा, और मैं जो फंड रेज करूंगा वो उसी हिसाब से करूंगा, 12 लाख के आसपास, 12 लाख 13 लाख के आसपास करूंगा, ताकि मेरे पास ना फंड ज्यादा आए ना फंड कम आए, क्योंकि कम आएंगे तो आपकी प्रोडक्शन पे इफेक्ट आएगा, और ज्यादा आते हैं तो ज्यादा फंड का आप करेंगे क्या, उसका यूज तो है नहीं, क्योंकि आपने उसकी प्लानिंग तो नहीं कर रखी है। तो इसीलिए फाइनेंशियल प्लानिंग अगर आप करते हैं तो आपको ये हेल्प हो जाती है कि आप ना ज्यादा पैसा लाएंगे ना कम लाएंगे, एक्यूरेट लाएंगे, जितना चाहिए उतना ही लाएंगे। इनके से अगर आपने प्लानिंग नहीं करी, आपको नहीं पता पिछले साल दिवाली में कितनी थी, अगले साल कितनी होगी, कोई प्लानिंग नहीं करेगी, तो हो सकता है आप कम भी ले आए, हो सकता है आप बहुत ज्यादा ले आए जिसका यूज ही नहीं है। तो सेकेंड जो ऑब्जेक्टिव मकसद है फाइनेंशियल प्लानिंग का, ये है कि ये देखना कि फर्म अननेसेसरी रिसोर्सेज को इकट्ठा करे। तो फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प करती है आपको जो फंड्स आपको लाने हैं, जैसे मैंने कहा 12 लाख, क्यों एडिकेट 12 लाख के अलावा, ना 12 से ज्यादा ना 12 से कम, तो ना एक्सेस होना चाहिए ना शॉर्टेज, दो ही बेकार है। हमें सोचे ना कि शॉर्टेज है चलो वो तो बेकार है, एक्सेस तो बेकार है, ज्यादा ही पैसा पड़ा है, मगर सोचिए अगर आप एक्सटर्नल सोर्स से लाए होंगे तो उस पर आपको रिटर्न में क्या देना पड़ेगा इंटरेस्ट। आप सपोज 15 लाख लेके आए, जरूरत कितनी थी 12 की, 3 लाख एक्स्ट्रा पड़ा है, उस 3 लाख का इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा जो एक्स्ट्रा पड़ा आपके पास, जबकि उससे कुछ अर्निंग नहीं कर रहे हैं आप, क्योंकि आपके पास तो जरूरत सिर्फ कितने की 12 की, तो बाकी का 3 लाख तो आपके पास पड़ा हुआ है खाली, मगर उसका करेंगे क्या, उसकी ब्याज अलग पे करनी पड़ेगी, तो उससे आपका प्रॉफिट रिड्यूस होगा। तो इसीलिए ज्यादा भी बेकार है कम भी बेकार है, दोनों सिचुएशन बेकार है। अगर आप कम लाते हैं सपोज 12 लाख बजाय 12 लाख से कम अगर आप लेके आते हैं तो वो आपके किसको इफेक्ट करेगा, बच्चों को भी इफेक्ट दी प्रोडक्शन, आपका प्रोडक्शन ही नहीं हो पाएगा। सपोज आप 8 लाख लेके आए, अब जरूरत 12 लाख की कहां से करोगे प्रॉफिट, है ही नहीं। और दूसरी तरफ अगर एक्सेस ले आते हो तो दिस लीड टू अननेसेसरी एक्युमुलेशन ऑफ फंड, आप फालतू में फंड इकट्ठा करते जाएंगे और उसका फायदा कोई फायदा नहीं, आप एक्स्ट्रा जो पैसा लाएंगे उसको फायदा नहीं। तो इसीलिए जनरली एडवाइस यही करा जाता है कि दिस मस्ट बी इन्वेस्ट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर एज आइडियल फंड आल्सो क्रिएट लॉस। ग्रेट लॉस इसीलिए है क्योंकि उसमें जो रिटर्न में आप इंटरेस्ट पे करोगे वो आपका लॉस नहीं। तो अगर आप एक्स्ट्रा लाए भी गलती से तो उसको इतनी बेस्ट पॉसिबल मैनर में इन्वेस्ट करना चाहिए कि वो फंड आपका खाली ना बढ़ा रहे। अगर वो 3 लाख ले आए आइडियल फंड तो वो आपका खाली ना बढ़ा रहे, उसको कहीं इन्वेस्ट करिए ताकि आपका जो इंटरेस्ट उस पर जाना है वो आपका बर्डन ना पड़ जाए। और जनरली प्लानिंग से हेल्प हो जाती है कि आप एडिकेट नहीं लाएंगे, वेल चाहिए तो वेल ही लाएंगे। तो दो मकसद है फाइनेंशियल प्लानिंग के, एक तो आपको फंड अवेलेबल कराना एट राइट टाइम और उसकी सोर्स बताना कि कहां से पैसा आएगा, ये पहला मकसद। दूसरा कि आपकी फर्म अननेसेसरली फंड इकट्ठा ना करे, क्योंकि कम होंगे तभी बेकार है, ज्यादा होंगे तभी बेकार है। तो जितना एडुकेटर उतना लाने में आपकी हेल्प करना। आपका ये एडुकेट पता कैसे चलेगा, तो जब आपने मीनिंग पढ़ा था उसमें पहला पॉइंट था डिटरमिनेशन ऑफ टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट, आप पता करते हैं कि आपको टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी चाहिए। मैंने एग्जाम्पल भी दिया था 25 लाख का, तो आपको पता है ना कि आपको कितना चाहिए, उतना ही लेके आएंगे आप ना ज्यादा ना कम। और अगर प्लानिंग नहीं करते तो कभी आप टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट ना निकालेंगे ना आपको पता चलेगा कि कितना चाहिए। हो सकता है फिर आप 30 भी ले आए, हो सकता है 15 या 10 भी है, तो एक्सेस हो सकता है शॉर्टेज भी हो सकता है अगर प्लानिंग नहीं करी तो। मगर अगर प्लानिंग करी है तो आपकी हेल्प जल्दी एडिकेट हो जाता है, तो दोनों जगह फायदा हुआ है। क्लैरिटी वाले पॉइंट में डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख देना। इसके बाद हम करेंगे इसकी इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। थैंक यू।